الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما उच्ची आवाज न दुरूद पाक पढ़ लो सलातो सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला अलिका व सहाबिका या हबीब तुहाडी आवाज सुनी है तो मैं आके स्पीकर दी खोल इन्हां ते हुण इन्नी कढ़नी है भाई बारह बज गए ने तो बारह बज के अगला दिन शुरू हो जाता है आजम साहब हाँ जी तो हम अगला दिन शुरू हो गया कईयों को तो भुख भी सतान लग पी होनी तो हम उन्हें पढ़ना जिन गुंबद खजरा नजर आने लगे मिल के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका रसूल अल्लाह वसल्लम पढ़िया है पर कई ने ना अज दूसरे को कम लिया मैं उन्नी देर शुरू नहीं करना जिनी देर सारे नहीं पढ़ना मिलके पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल वसल्लम अलैहि मैं शाम का बैठा तुम एक तरह चज नहीं बोले ये जड़िया देगा छे सत पे सुन ये हजूर का लंगर खाधा जो तुम नबी पाक के ना तो बोलना पैना तो जड़ा तुम पता है ये जटा का मशहूर जहा मकूला भी जिदा खाइए वो गीत भी गाइए सोने के ना का खाधा जे तो नबी का ना मुहब्बत ना लवो इतने तुम याद करोगे जो सोहने कर्म किया तो फिर मदीने में पहुँच जाओगे तो मिल के आखो सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका महफिल पाक च बैठन ते
ਦੀ ਸਾਇਆ ਆਪੀਏ ਰੰਗ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਕੋਈ ਆਪਣਾ मेरा दिल करता मैं एक होर पढ़ा कलाम पर डर लगता पे भी जो थोड़े जे रह गए कि भी ना तुर जा नहीं पक्के तो बड़े ने ते कोई गल नहीं है हुण पता नहीं लग जाना किड्डे भलवान हुण तुसी तवज्जो फरमाओ ते ये समझो दुआ भी है ते सारी इस महफल का मकसद भी कमली वालिया करम दा है कर दे करम करीम हुण वेखो जिहदा कारोबार नहीं चलता जिहदे कोल औलाद कोई नहीं जिहड़ा परेशान है ये दुआ मंग लो पिछली रात का टाइम शुरू हो गया कबूलियत का टाइम होंदा है मेरे दोस्तों तवज्जो नाल कमली वालिया करम तेरे नाल लगे
हज करते करम नशारत हुण तुसीं नारे ना मरवाओ, इन्हां नहीं उठना, सिर्फ बाबे ने उठना। तुहानूं पता है औखे पैंडे बाबे कढ़दे ने। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद दरूदो सलाम दा नजराना ताजदारे अंबिया अहमद मुस्तफा जनाब हजरत मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मुकद्दस बुलंद बारगाह विच अकीदत तो मुहब्बत दे नाल अर्ज करन तो बाद वाजिब एहतराम आली मकाम बानियां ने महफल नकीबे महफल सना खाने मुस्तफा जनाबे कारी हजरात दूरो नज़दीक तो इस पाक महफल विच आउण वाले महबूब अलैहिस्सलाम दे गुलामों परदादार माओ बहनों बेटियो अज दा पुर नूर आली शानी जतमा बस सिलसिलाए मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उनवान तो आशके मदीना आशके रसूल हाजी मोहम्मद बशीर साहब मोहम्मद वसीम साहब नदीम साहब नवीद साहब तसव्वर साहब पिछले साल भी असी आए सा इसे घर विच इसे थां ते ते ए मैनू नहीं पता भी इहदे तो पहला कदों दा हुंदा पिया। इन्ना कु मैनू पता है आजम साहब कि मैनू वसीम आख्या वी सानू अल्लाह ने बेटा दिता है ते असा हजूर दा मिलाद करांगे। अल्लाह दी शान वेखो, कई बार बंदा इरादा करदा ना ते अजमाइश आ जांदी, तरीक तय हो गई, उधरों करोना आ गया, करोना आ गया, उन्हें ओ कुछ कीता जड़ा होना नहीं सी चाहिए, उन्हें अपनी मर्जी की थी। ते मेरे जेन विचों में निकल गया, साल बाद फिर मैंने वसीम ने फोन किया भी वह साडा टाइम है कि कोई नहीं। मैं क्या टाइम तो तुहाडा है वे, इन्हें आख्या जी सरकार दा मिलाद असा कराने, ते रब पुत्र देवे ते फिर नबी दा मिलाद होवे ते फिर मेरे दोस्तों सीने विच इश्क रसूल ना होवे, ये ते हो ही नहीं सकता। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मेरे तो पहला मेरे मसलक दे नामवर सना खान कारी हजरात उन्हें अपना अपना जौक पेश किया। मोहतरमुल मुकाम कारी मोहम्मद बाबर साहब सना खान मुस्तफा राहत मदनी साहब रजवान कादरी साहब भाई मोहम्मद आजम साहब एहसान साहब जिदी जिदी हाजरी अल्लाह पाक ने मंजूर की उन्हें अपने अपने अंदाज विच मुस्तफा की नात पढ़ी। तुसा अल्लाह के दिते हुए माल विचों नबी दे नां दे उत्ते उन्हां नाल प्यार कीता मुहब्बत कीती। इंशाला एक एक रुपया मुस्तफा दे नाम तो तुसा कुर्बान किया है, रब्बे काबा की कसम है तुसा ते एक एक खर्च किया रब मुस्तफा दे नां ते तुहानू दस दस अता फरमाएगा। और जिहड़ा सौदा होवे मुस्तफा दे नां ते रजवान भाई उहदे विच फर्क नहीं आउंदा। असगर भाई पिछले साल मैं आया ते ए वेड़ा सजिया सी, साल गुजर गया, बहार विच जिहड़ी ये दोस्तो उसे तरह कायम है, बल्कि उस तो भी बहुती रहमत वसी है। रब्बे काबा की कसम क्यों ना वसे, रब फरमांदा जिहड़ा मेरे नबी दे नां ते एक देवेगा मैं उहनू दस दियांगा। वसीम ने जे पिछले साल एक देग नबी दे मिलाद ते लंगर दिता ते रब दा वादा सी उन्हें दस दित्तियां, इंशाला मिलाद हुंदा रवेगा, मेरे नबी दा सदका हर साल लंगर वधदा रवेगा। वधे भी क्या होना, जिथे नबी दी अजमत दे नारे बुलंद होण उथे रब दी रहमत दे डेरे लग जांदे।
जिन्हां नूं सूफी साहब की नाज वड्डा फियाज़म साहब जिन्हां नूं रब दित्ता होवे मुस्तफा दे नां ते ते ओह फिर ए नहीं आंदे कि साडा उन्हां दा नारा की हुंदा तेरा खावां हाथ चुक के मेरे नबी का नाम ले ले। मैं ये नहीं आखना भी दो हाथ चुको तो मैं ये नहीं आखना जनाब सिर बहुता हिलाओ। मैं आखना भी मेरे नबी का सदका रब कायनात नूं दिंदा है मुस्तफा की शान की महफल है। जे मुहब्बत नाल तुसीं भी बोलोगे तो रब बोलन तो बगैर अता फरमाएगा। सीने का दौर ला के कह दो तेरा खावां बोलो ना बोलो अल्लाह प्या फरम आजम साहब देखो किड्डी थोड़ी आवाज है। ईमानदारी नाल दस कोई नवा कुरान नहीं है ओ कुरान जेड़ा मुस्तफा दे सीने ते नाज़िल होया। अल्लाह फरमांदा नुज़िला अला कल्ब मुहम्मद फरमाया लोको तुहानू ते इस कुरान दी शान दा ही पता नहीं। ए कुरान होवे जिन्हों मैं यार दे सीने ते नादल फरमाया नुज़िला अला कल्ब मुहम्मद असां कुरान नू यार दे दिल ते उतारिया। मुसलमान गौर कर ऐसी नहीं सीने विच दिल सीने हुण बोलेगा ते उना जी दे सीने विच ते नबी दे नां ते उच्चा बोलेगा जिदा वड्डा दिल मेरी सरकार की नाजी। साबर अली साहब जरा तवज्जो नाल सुनो बोलेगा ओ जिदे सीने विच दिल मेरे दोस्तों जड़े दिल दी मैं गल पिया करना वा ना ए तेरा दिल ना मेरा दिल। मेरी सरकार फरमाया ओ दिल दरिया हुण पता लगना ना भलवाना दा तवज्जो नाल नाराज हो गया। कोई गल नहीं नाराज हो तो बंदा जरा उच्चा बोलता मेरे दोस्तों मेरी सरकार फरमाया ओ दिल दरिया समुद्र
रोंदोंगे कौन दिलाए दिया जाने हो अल्लाह फरमाता है यूहन नबी इल्ला अरसलना शाहिदा मुबशिरा व नज़ीरा व दाइया कुरान पढ़िया इन सीनिया चो आवाज निकली है सारे बोल के आते ने सुबहान सुबहान अल्लाह मुसलमान जरा गौर नाल सुना एक कुरान जिम हजरत मियाँ शेर मुहम्मद पढ़िया एक कुरान वे जिनू दाता साहब पढ़िया एक कुरान वे जिनू यारवीं वाली सरकार पढ़िया ए कुरान वे जिनू पीर मेरे अली पढ़िया ए कुरान वे जिनू सुल्तान बाहू पढ़िया मुसलमान कुरान वे जिनू मौला अली पढ़िया ए कुरान वे जिनू उस्मान पाक पढ़िया ए कुरान वे जिनू उमर पाक पढ़िया ए कुरान वे जिनू सिद्दीक पढ़िया न सदके जावा ए कुरान वे जिनू सहाबा विच नबी पाक ने पढ़िया है तो जो कह तो पढ़ो आवाज कट गई कोई गल नहीं सारे मेहमान तुसा बुलाए सन लेकिन वेखो कोई भी इंजदा नहीं जिन्हें तुहाडे सामने हजूर की नात नहीं पढ़ी जिहड़ा भी आया शाम तो लैके हजूर का जिक्र हो रहा है मेरे दोस्तों जिथे नबी पाक का जिक्र होवे उत्थे ते रब की रहमत दे फरिश्ते अपने परां दी छां कर देंदे ने सोच ठंडी हवा खरे इसे गल का पैगाम दे रही है घबरा ना इस महफल विच रब दे फरिश्ते भी आ गए अल्लाह अल्लाह मुसलमान तवज्जो दे नाल सुनो कैसा समावेगा जदों हुजूर ने कुरान पढ़िया होएगा मुसलमान मेरा दिल कर दे इश्क दी वादी विचों मैं पता तो कोई नहीं बोलना टेंशन ना लवो असीत नबी पाक दा लंगर खा के सोने महबूब दा लंगर खा के बनी है तुसी ना भी बोले तो मैं तामी नबी दी तारीफ करांगा
हजरात तवज्जो दे नाल सुनो मेरा दिल कर दे मैं इश्क दी वादी विचों ओ सा आशक दी गवाही दा सोच लो सोच के बोलो पर बोलो बोलोगे तो 90 नेकियां मिलेंगी। हजरात मैं ओ आशक दी गवाही पेश करन लगावा तेरे कोल लंगर खाक नी बोलिया जांदा मक्के दियां गलियां अज भी गवां ने मुसलमान शुक्र द पैरे तपदी होई रेत ते बिलाल नु लटा के उमैया मारदा ए नालियां दे हुण बोल मुसलमानो हजरत बिलाल मारा खा के हुजूर दा नाम लेंदे ने उमैया दे मारा खा के वी नबी दे नारे मारने दस दिन होया किए जान प्यारी नहीं लगती फरमाया चुप करके बैठ जा तेनू हिकमत दा पता नहीं होए तू मेरा महबूब नहीं तकया तू ओए महबूब नहीं तकिया जिन्हों वेख के चन शर्मावे हो अदी रात ये ओए दिन चढ़ मुख तो नकाब उठावे वो फुला दे हाथ दे मारे हाथ न नजरी आवे सानू कित भी नजर मेरे दोस्त हजरत बिलाल फरमान दे करा गल देख लो सोच लो जिंदगी एक बार मिली है पता नहीं कदों मौत आ जानी है कबर विच जेड़ा हुजूर दे नारे मारदा गया नू हुजूर दा दीदार होगा। हजरात तवज्जो नाल सुनो हजरत बिलाल कौन बिलाल करां गल कौन बिलाल एक वेला आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच शिकायत आई सुनिया किसे होर नु आखो अदान दे फरमाया होया की है कमली वाले आ बिलाल कोलो एक कलमा ठीक नहीं पढ़िया जांदा मेरे मुस्तफा ने फरमाया कोई गल नहीं बिलाल कल अदान ना देगा मुसलमान गौर नाल सुन बिलाल ने अदान नहीं दिती अदान होई है बैठ बैठ के इंतजार कर कर के गुलाम कहंदे ने सुनिया दिन नहीं पिया चढ़दा मेरे नबी ने फरमाया जे दिन दा ए नूर वेखना जे मेरे बिलाल नु ले आओ आका बिलाल किथे वे मुसलमान हजरत बिलाल हिजरे रसूल विच रोंदे ने ते कहंदे कीने गलत कहिए अजान गुनाह होवे लोकी सुन के बिलाल नुआल कहंदे
गल सुनी बिलाल ते रोन लग पे। करो सजनों की ओ त्यान कहंदे जेड़ी नबी दा नाम ना ठीक आखे कट देवा मैं सी जुबान कहंदे चंगी लगे अजान बिलाल वाले नहीं भेज के आप रहमान कहंदे ओ कदी साबिरा सुबह बिना हुंदी जे ना हजरत बिलाल अजान कहंदे। मेरे दोस्त हजरत बिलाल दी शान वेख ओ हजरत बिलाल फरमांदे ने एक दिन हुजूर दे बूहे ते मैं दरबान बन के खड़ा होया सी। हौली जी बोलो होर हौली तुसी इहदे तो भी हौली बोले ना ते ए जिहड़े फरिश्ते नहीं रब ने मुकर्र कीते इन्हां ने की फिर भी लिख लैणी हुण जिहदी मर्जी है नेकियां लिखाण दी उह बोलदा रहे ते जेड़ा आंदा भी मैनू इहदी लोड़ नहीं उह भावें कुराड़े मारन लग पे पर बोलेगा ओ मेरे दोस्त जेड़ा आंदा मैनू कबर विच जोर दा दीदार हजरत बिलाल कारी बाबर साहब फरमांदे ने मैं हुजूर दे दरवाजे अगे खड़ा होया सां हुजूर अंदर नमाज पढ़ रहे सन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उच्ची आवाज नल कुरान पढ़ रहे सन अचानक मैं वेखिया एक अरबिया खतून आ रही है ओदे हाथ दे विच कुछ समान है इंज लगदा बाजार चो सौदा खरीद के आ रही है अचानक ओदे खन्ना विच हुजूर दे कुरान पढ़न दी आवाज आई जिवें उहने रसूल दी आवाज सुनी औरत दे पैर रुक गए। फिलहाल फरमांदे ने औरत नाले कुरान सुनदी है नाले रोंदी है वावा देर में वेंदा रहा वा औरत उसे जगह ते खलो के नाले रो रही है नाले कुरान सुन रही है। फरमांदे ने थोड़ी देर तो बाद में वेखिया ओने चलना शुरू कर लिया इंज दरवाजे च अंदर दाखल हुई है सामने मुस्तफा नजर आ गए। मेरे दोस्त जड़े वेले वेखिया सरकार नमाज पढ़ रहे ने हजरात भी अरज कर दिया फर्द नमाज दा टाइम नहीं मेरे महबूब दा कोई गुलाम उथे नहीं। जड़े वेले हुजूर नू वेखिया इंज जाके उन्हें भी पिछे नमाज नीत लई हुजूर ने जदों कुरान पढ़िया मैं कुर्बान जावां किड्डा कु सोहना समाएगा ओदे दिल नू सरूर आया कैफ आया चैन आया करार आया क्यों ना दोस्तों ओनू सरूर आउंदा ओदियां अखां दे सामने रब दा यार केड़ा महबूब हजरत ताजदार गोलड़ा फरमांदे ने कोई मिसल नी डोलन दी कोई मिसल नी डोलन दी
चुप करी मेरे अली इथे जानियों को हजरात थोड़ी देर तो बाद लड़ करके टिकन की आवाज आई और जोर ने सलाम फेरिया पीछे औरत बेहोश पई हुई है इंज हजूर ने पानी दा छट्टा मुंह ते मारिया औरत नु जड़े वेले होश आया हजूर ने फरमाया बेहोश हो के क्यों डिगी है उन्हें आख्या सोनिया मैं बाजार गई हुई शाह सौदा लेके अपने घर पई जांदी शाह आका मेरे कन्ना में तुहाडी मिठी जी आवाज पै गई मेरे को तुरिया नहीं गया महबूबा मैं तुहाडी रुखे दे बाद दीद करन वास्ते इस वजह तो आ गई जेड़े वेले आवाज सुनी मेरे दिल नु चैन आया अंदरों आवाज आई जिदी आवाज एडी सुनी है अंदर जाके वेखते सही हो आप आप केड़ा को अजे भी थोड़े को बोलिया गया सोचो तो सही ए रसूल है जिन्हों वेख के पत्थर कलमा पढ़न लग पे अल्लाह अल्लाह मुसलमान हुजूर ने फरमाया फरमाया अंदर आके तेरी कफियत की हो जी हो गई सोनिया मैं वेखिया कल्ले नमाज पढ़ रहे हो मेरे दिल च ख्याल आया रोज बंदे नमाज पिछे पढ़ने अज बख्ता ते नाद आया महबूब कल्ला ही नमाज पिया पढ़ रहे एक नमाज मैं भी नबी दे पिछे पढ़ना अशर वाले दिन जन्नत जान जोगी हो जा हजूर मेरे दिल च ख्याल आया मैं नमाज नहीं तली आका जो तुसा आयत पढ़िया जिन्ना बिच रब ने अजाब का जिक्र कीते महबूब मेरा ध्यान अपनिया बदिया वल चला गया अपने गैबा वल चला गया अपने गुनावां वल चला गया सोनिया मेरे को संभलिया नहीं गया आका मैं बेहोश हो के डिग पई हुण महबूबा रोंदी तावा मेरे गुनाह बड़े ने मेरा बनेगा की मुसलमान मियां साहब फरमांदे ने ओ सैवरा मैं तौबा पन्नी ते मैं आंबे अतबारा तेरे दिया आशा रखन वाला जे वेखा में अमला वाले कुछ नहीं मेरे पले जे वेखा तेरी रहमत बल्ले 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 बिल्कुल छुट्टी नहीं दी
रहना जागदी। जे अख बंद होगी ना नबी का जिक्र सुनदियां सुनदियां ते फिर इंशाल्लाह गुंबद खजरा नजर आएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमान तवज्जो नाल सुन हुजूर, बेहोश दाइया मेरा कमली वाले या दो जख दी अग तो डर बड़ाया है आका, मेरा खावंद फौत हो गया है ओदी विरासत विचों सोनिया मैनू सत बाग मिले ने आका गवाह हो जाओ मैं सत्ते दे सत्ते बाग अल्लाह दी रात दे छड़े ने जड़े वेले नी गल कीती है अल्लाह फरमाया फरिश्ते आ या अल्लाह हुक्म है फरमाया जा मेरे यार कुल चला जा आख सोनिया इनू उठन ना दियो जे इन्हें अपना सारा कुछ मेरे अजाब तो डर के मेरे रात दे छड़े आए नबूबा इनू मेरा पैगाम दे दे तू सत बाग अल्लाह दी रात दिते ने जहन्नम दे सत बुए ने असा सत्ते दे सत्ते तेरे लिए बंद कर छड़े। अल्लाह अल्लाह मुसलमान मैं कुर्बान जावा मेरा नबी किड़िया शाना वाला मंगता वे सोना उन्हों गनी कर देवे गुनागार है सोना उन्हों जन्नत दा टिकट दे दे फिर मैं क्यों ना खा मुसलमान मेरा नबी होवे जड़ा दुखिया दा मल जाओ मावा बन के आया है जड़ा माड़िया दा मान बन के आया है मेरा नबी होवे जड़ा रब दी शान बन के आया आए मुसलमान ए मेरे नबी दी शान है। अमीर ते एक पासे रह गए गरीब भी अपना माल तन मन दल मुस्तफा तो वार के आने क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है क्या पेश करूं आका क्या चीज हमारी है ए दिल भी तुम्हारा है ए जान भी तुम्हारी है एक बार कह दो ए दिल भी तुम्हारा है ए जामी है दिल भी तुम्हारा है ए जामी तुम्हारी किस्मत ये हमारी है कुर्बान दिलो जानमी क्या चीज हमारी मेरे महबूब इस्लाम के गुलाम कुछ नसीब ने ओ घर जिथे हुजूर दा मिलाद हुंदा ते किस्मत वाले ने ओ लोग जड़े मेरे नबी का मिलाद मनाते हैं मेरे महबूब के गुलामों दिल कर दे एक होर गल कर दुआ कर आजम साहब का हाथ जरा उठता पे तो बाकी धौन थले ले जाते थले ले जाते थले ले जाता पता भी सिर भी हिल जाए तो यह भी हाँ की गल
अल्लाह मुसलमान तवज्जो दे नाल सुन, मेरे महबूब ने फरमाया रब दी राह ते सत्ते बाग देण वाली ऐ, जा रब ने तेरे लिए जहन्नम दे बूए बंद कर छड़े नी, तेरे लिए जन्नत दे बूए खोल दिते ने। आखरी गल सुन मेरे दोस्त, कमली वाले दी नजरे करम ते नाद आ जाएगा, इंज भी जिक्र हुंदे हुजूर जा रहे ने काफला लैके, एक औरत पर्दा करके हुजूर दी राह मल के खलोती हुई है। ए ओ खतून जिन्हें अपने खामद नु भी तोड़ दिता, अपने दो पुत्रा नु भी तोड़ दिता, मेरे दोस्तो आप हुजूर दी राह विच खड़ी हो गई। जड़े वेले कमली वाले दा काफला करीब आया, अर्ज कर दिए आका मैं एक गल करनी है। मेरे नबी फरमाया सहाबा के चले जाओ, मेरी सहाबिया ने मेरे नाल गल करनी है। फरमाया तुसी अगे चले जाओ, एक गल कर लेंगी इहदे पर्दे विच फर्क ना आए। हजूर ने फरमाया की गल है? अर्ज की हजूर मेरा खामद भी तुहाडे नाल चला है, मेरा पुत्र अब्दुल्ला भी चला है, मेरा पुत्र अमारा भी चला है, हजूर मैं कल्ली रह जावांगी, मैं ये अर्ज करनी है जे इजाजत होवे ते हजूर मैं भी ना नाल ही तुर जाऊं। कमली वाले फरमाया तलवार फड़ के तो तू लड़ना नहीं, तो जान का मकसद की है? अर्ज की कमली वाले जे मैं लड़ नहीं सकती तो किसी जख्मी नू पानी पिया देंगी। मुसलमान वेखो इन्हें इस्लाम दियां बेटियां, इन्हां दे उत्ते मुसलमानों इस्लाम नू ना दे। कमली वाले आ जे कोई तेरे ना दे उत्ते जख्मी होकर डिगेगा, महबूबा मैं उन्हें पानी पिया देंगी। मेरे मुस्तफा ने दिल वल वेख्या ते कमली वाले ने फरमाया फरमाया कोई गल नहीं, जे मुहम्मद दे बुवे ते सदा कीती आ, फरमाया जिथे इन्हां नू लै के चलिया वा आ जा, फरमाया तेरे ते भी रब दा फजल हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मुसलमान मुख्तसर रज करना वन जंग शुरू हो गई। साहबिया वेख रही है उदे पुत्र अब्दुल्ला ते अमारा बड़ी बहादुरी ना लड़ रहे ने, उदा खावन भी बहादुरी ना लड़ रहे आए। मेरे दोस्तों हजरत अब्दुल्ला शदीद जख्मी हो गए, हजरत अमारा नू मुस्तफा ने बुलाया, फरमाया उम्मे अमारा आका जी हुक्म आवे। फरमाया आले मेरे कोल तलवार लै ले, कमली वाले तलवार की करा? फरमाया जड़ा काफर दौड़ा उंदाई इन्हें तेरे पुत्र नु बड़ा मारिया है, मैं इजाजत देना बदला लै ले। मुसलमानों जदों इन्नी गल सुनी है सहाबिया ने पूरे जोर नाल तलवार मारी, काफर दी लत कटी गई। मुसलमानों जड़े वेले लंगड़ांदा होया तोड़ा जा रहा है, हजूर ने उदा लंगा पन वेखिया, नबी मुस्करा पे। साहबिया कहनियां ने मैं सुनिया सी नबी दे सामने जड़े दो दंदान मुबारक ने, इन्हां विच थोड़ी जी जगह खाली है, जदों हजूर मुस्करांदे ने इथों नूर दियां लाटां निकलदियां ने। फरमादियां ने जदों हजूर मुस्कराए मैं नूर दी लाट भी वेखी, नबी दे दंदान मुबारक भी वेख ले। साहबियां कहंदियां ने जदों हजूर नू खुश वेख्या मैं नजरां नीवियां कर लईयां, आका ने फरमाया उम्मे अमारा आका जी हुक्म होवे। फरमाया मुहम्मद दे बूए ते खलोती है, फरमाया कुछ मंग ले। कमली वाले आखी मंगा, फरमाया नबी दा दरे जो भी मंगेगी तेनू अदा कर दूंगा। साबिया कहंदी मैं हजूर दा चेहरा वेख्या, कह दो सुभान अल्लाह, हजूर दा चेहरा वेख्या ना ते नबी मैनू बड़े खुश नज़र आए। ते मैं अर्ज की कमली वाले मैं एक चीज मंगा, हजूर ने फरमाया मंग। अर्ज की कमली वाले ए तुसा तो होना जन्नत विच, सुभान अल्लाह ना आखिया जी,
सुभान अल्लाह आखोगे तो तुसी भी जाओगे। जिन्हें हजूर दे नारे मारने ने उन्हें जन्नत जाने। हजूर मैं ना एक अर्ज करनी है। हजूर फरमा की कमली वाले तुसी जन्नत में होवोगे। कमली वाले फरमाया हाँ तेरे दिल की ख्वाहिश की है। अर्ज की कमली वाले दुआ करो मैं भी उस जन्नत में दाखिल हो जाऊँ। कमली वाले ने मुस्करा के फरमाया उम्मे हमारा ठीक है होर मंग। आखन लगी कमली वाले दुआ करो मेरा खामद भी उठे ही चला जाए। कमली वाले ने मुस्करा के फरमाया फरमाया और मंग कमली वाले आ दवा करो जिस जन्नत विच तुसा होना है उथे मेरा पुत्र हमारा भी चला जाए। फरमाया हमारा भी जन्नती हो गया और कुछ मंग। उन्हें आख्या कमली वाले आ दवा करो मेरा पुत्र अब्दुल्ला भी जन्नत विच चला जाए। फरमाया तेरे अब्दुल्ला नु भी जन्नत दा टिकट दे छड़िया। साफिया कह लगी कमली वाले आ एक होर सवाल पूरा फरमा दो। नबी फरमाया वो सवाल की है। आखन लगी कमली वाले आ जन्नत विच वेलियां जो रहना महबूबा एक होर वादा कर लो जिवें मैं ते मेरा खामद ते मेरे पुत्र इत्थे तुहाडी नौकरी पे करने जन्नत मेरे रसूल ने फरमाया लै उम्मे हमारा तेन जन्नत भी दे छड़ीए ते तेरे पूरे खानदान नु जन्नत विच अपनी नौकरी भी दे छड़ीए। तो मेरे महबूब दे गुलामो मुस्तफा दे नां ते जिन्ने भी सौदा कीता रब उन्हें कोई थोड़ आउन दित्ती नहीं। मेरे दोस्तों मैं दावे नाल गल करना वसीम भाई ने अपने रिश्तेदारां नु बुला के हजूर दा मिलाद मनाया जिस जगह ते पिछले साल आए सां तुहाडियां मेरियां अखां गवाह ने। अज भी उस जगह ते नबी पाक दे नां दी महफल सज गई है। ना घर विच फर्क आया ना घर वालियां दे खलूस विच फर्क आया ना कारोबार च फर्क आया। रब्बे काबा दी कसम वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवरे आलम का मीलाद मनाते हैं। तो मेरे दोस्तों दुआए अल्लाह।